माधव निदान आयुर्वेद में निदान विषयक एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। उसकी रचना इतनी अच्छी तरह से हुई है कि उसको रोग निदान संबंधी श्रेष्ठ ग्रंथ कह सकते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता श्री माध्वाचार्य की शिक्षा सम्मानित थी। गायत्री उपासना से ही उनकी प्रगति हुई। उन्होंने एक सच्चे नैष्ठिक ब्राह्मण जैसी तपस्या से गायत्री पुरुष चरण किए। वृंदावन में 13 वर्ष तक उन्होंने निरंतर गायत्री उपासना की। इतना करने पर भी खुद में विशेषता नहीं दिखाई दी और कोई लाभ भी नहीं दिखाई दिया। लंबे समय तक निरंतर इतना परिश्रम करने पर भी लाभ नहीं मिलने से वे निराश हो गए और साधना तथा वृंदावन छोड़कर काशी चले गए। काशी में कितने ही दिनों तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। निराशा और खिन्नता के कारण मन कहीं लगता नहीं था। एक दिन मणिकर्णिका घाट पर एक अवधूत से मुलाकात हुई। उनके बीच घनिष्ठता बढ़ी। माध्वाचार्य ने मन की सारी व्यथा उनको बताई। अवधूत तांत्रिक थे। उन्होंने माध्वाचार्य को भैरव की उपासना करने को कहकर उपासना का विधि विधान बता दिया। 1 वर्ष तक भैरव का अनुष्ठान करते करते उनकी साधना सफल हुई। उस दिन साधना जब वे कर रहे थे तब पीछे से एक आवाज़ सुनाई दिया, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। माध्वाचार्य बहुत धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति थे। वे स्थिर भाव से अपनी साधना में लगे रहे और कुछ भी नहीं बोले। फिर से दूसरी बार वही आवाज़ सुनाई दी, वरदान मांग। वे फिर भी चुप रहे। लेकिन जब तीसरी बार फिर से वही आवाज़ आई तब माध्वाचार्य ने कहा, मुझे आपके दर्शन की इच्छा है, कृपा करके पीछे से बोलने के बदले मेरे सामने आकर अपने असली स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो आवाज़ आई, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, इसका कारण गायत्री पुरुष चरण है जो तुमने पूर्व में किए थे। मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि गायत्री उपासक के सामने प्रकट हो सकूं। तब माध्वाचार्य ने कहा, जब आप में गायत्री उपासक के सामने प्रकट होने की सामर्थ्य नहीं है तो आपका वरदान भी अल्प सामर्थ्य वाला होगा, इसलिए मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतना बतलाइए कि मेरी गायत्री साधना निष्फल क्यों गई और उसकी सिद्धि प्राप्त करने का कौन सा मार्ग है। अदृश्य भैरव ने पीछे से ही जवाब दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का नाश करने में 13 वर्ष की साधना खर्च हो गई, अभी 1 वर्ष वही साधना और करो, तब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का पूर्ण नाश होगा। जब तुम्हारी आत्मा पूर्णतः निष्पाप हो जाएगी तब तुमको गायत्री का ब्रह्म तेज मिलेगा। वृंदावन जाकर फिर से 1 साल तक साधना करने से तुमको इस बार सिद्धि मिलेगी। इतना कहकर भैरव अंतर्ध्यान हो गए। माध्वाचार्य वृंदावन आए और उन्होंने 1 साल तक उसी स्थान पर फिर से गायत्री साधना की। 1 वर्ष के बाद उनको गायत्री का साक्षात्कार हुआ और उनकी वाणी सिद्धि हुई। संसार की भलाई हो और स्वयं को यश मिले, ऐसे ग्रंथ की रचना मैं करूं, इस प्रकार की प्रार्थना उन्होंने माता गायत्री से की। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। शिक्षा सामान्य होते हुए भी उन्होंने माधव निदान जैसे ग्रंथ की रचना की। गायत्री शतोगुणी शक्ति है। उसका सबसे पहला प्रभाव मनुष्य के जन्म जन्मांतरों से संचित हुए पाप कुसंस्कारों को नाश करने में होता है। जब सर्व पापों का नाश होता है और आत्मा निर्मल बनती है तब उसका कोई विशेष प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। जिस स्थान में गहरी खाई खोदी गई हो उस स्थान पर सुंदर महल बनवाना हो तो सबसे पहले खाई को पाटने में शक्ति लगानी पड़ेगी। खाई भरने के बाद भूमि समतल होगी तभी महल बनाने का क्रम आरंभ होगा। जो पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कारों के नाश हुए बिना थोड़ी ही साधना का तुरंत लाभ उठाना चाहते हैं उनको माध्वाचार्य की शुरुआत की असफलता जैसा निराश होना पड़ता है, किंतु जो धैर्यपूर्वक इस महाशक्ति की उपासना करते हैं उनको मधुर फल अवश्य प्राप्त होता है।